दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। मंडी स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक जिला परिषद भवन मंडी में यूनियन निर्माता प्यारेलाल कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने परिचालकों से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। यूनियन के अध्यक्ष व निर्माता प्यारेलाल ने बताया कि बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए और मांगों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि बसों के साथ परिचालकों के स्थान पर चालकों को बतौर परिचालक सेवाएं ली जा रही हैं। वह प्रबंधन द्वारा गलत तरीका अपनाया गया है, जिसे तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे परिचालकों को नियमित करने के साथ कर्मचारियों के तबादले तुरंत रोकने की सरकार से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार व निगम प्रबंधन उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने से भी परहेज नहीं किया जाएगा। प्रमुखता से इस चीज को उठाया जाए ताकि सरकार और हमारे मुख्य प्रबंधन जो है कंडक्टर यूनियन को बैठे के बुलाए और जो हमने मांग पत्र दिया है उसके बीच में जितनी समस्या है उसका कोई निराकरण किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से पहली मांग थी हमारे पास कि जो ट्रैक्स जीप टैक्सीज वगैरह वोल्वो और टेम्पो ट्रेवलर वगैरह जो अवैध रूप से इस प्रदेश के अंदर चल रही हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इससे सरासर जो है हमारी निगम को बहुत ही घाटा पड़ रहा है। हमारी गाड़ियां खाली जा रही हैं और वो उनकी गाड़ियां फुल होकर जाती है, जिससे हमारे राजस्व में बहुत ही क्षति हो रही है। नंबर दो, TTU की तर्ज पर AC बस साधारण बसों को निगम के बेड़े में शामिल किया जाए, जिससे निगम की आय में बढ़ोतरी हो व किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत चलने वाली सभी बसों का चंडीगढ़ बस अड्डा में प्रवेश करने हेतु समय लिया जाए, जिससे निगम को होने वाले घाटे में कमी आए तथा ऑफ सीजन में किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत चलने वाली बसों को बंद किया जाए, जिससे निगम के घाटे को कम किया जा सके। सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचारियों के सरकार द्वारा घोषित लाह पेंशन सेवानिवृत्ति पर देय राशि तथा 4/9/14 के विशेष वेतन वृद्धि का लंबित एरियर मेडिकल बिलों की राशि का भुगतान बिजली बोर्ड की तर्ज पर एक मुश्त निश्चित किया जाए और सरकार द्वारा इसके विशेष बजट का प्रावधान किया जाए। नंबरों का अवलोकन करके जिसमें परिचालक व समकक्ष कर्मचारियों के वेतनमान में एक समान बढ़ोतरी की गई है, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों जो वर्ष 2009 में लागू की गई हैं मैं भी समकक्ष कर्मचारियों की तरह ग्रेड पे दी गई है, परंतु 1/10/12 से हिमाचल सरकार द्वारा संशोधित पे बैंड व ग्रेड पे जारी किए गए, जिसमें परिचालकों के समकक्ष कर्मचारियों को पे बैंड व ग्रेड पे में बहुत अधिक बढ़ोतरी की गई है, परंतु परिचालक कंडक्टर की ग्रेड पे व पे बैंड को समकक्ष कर्मचारियों के बराबर ना लाकर नामात्र ग्रेड पे में ही बढ़ोतरी की गई है। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समय समय पर की गई वेतन बढ़ोतरी का विवरण निम्न प्रकार से नहीं करना चाहूँगा, इसकी कॉपी मान्यवर मेरे प्रेस के बंधुओं को दी जाएगी। नंबर पाँचवा नंबर पर जो हमारी मांग है, परिचालकों के खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।